दोस्तों वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन सेशन ऑफ रियल एनालिसिस। तो जैसे मैं पहले बता ही चुका था कि जैसे ही 100 क्वेश्चंस आपके लीनियर अलजेब्रा के पूरे हो जाएंगे, पैरेलल में मैं रियल एनालिसिस भी स्टार्ट करूंगा। और जैसे ही रियल एनालिसिस के 50-60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के आसपास पहुँचूंगा, मैं उसी के साथ साथ फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू करूंगा। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को मैंने डिफरेंट बुक से कलेक्ट किया हुआ है। टारगेट एक ही है, 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कि हम वैरायटी या प्रॉब्लम को सॉल्व करें जिससे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में जहां से भी क्वेश्चन आवे हम उसे सॉल्व कर लें। तो ये पहला पार्ट है जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और ये बेसिकली ये 10 क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस और सीरीज से लिया है। चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं सिर्फ 10 ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फिर क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे और साथ साथ हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो सीक्वेंस का लिया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ जो बेसिक फॉर्मूले में हर जगह लिखाऊंगा शॉर्ट में, उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आप साथ में लिखते चलिएगा। देखिए, सीक्वेंस का सबसे पहले मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ रिवाइज भी करता चलूंगा। सीक्वेंस स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। अगर रियल सीक्वेंस की बात करें, ये जो एस एन इस सफिक्स एन लिखा हुआ है नेचुरल नंबर है। इसमें एन की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, 2, 3, 4, 5 इस तरीके नेचुरल नंबर पुट करेंगे, और जो मैपिंग होने के बाद मिलेगा, जैसे ये वाला पार्ट है, जो मिलेगा वो अपना सीक्वेंस होगा किसका, नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है ना। तो चलिए, द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर एन -1 डिवाइडेड बाई एन कन्वर्जेस टू। कन्वर्ज किसको करेगा, कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, अगर मैं इस सीक्वेंस में एन टेंस टू इनफाइनाइट करूं तो फाइनाइट और यूनिक वैल्यू दे, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है एस एन इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एन -1 बाई एन। तो आप अगर इसे ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर पे -1 पे पावर है, यानी अल्टरनेटिंग सीरीज आएगा। देखिए, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे, -1 पे पावर 1 -1 यानी 0, -1 पे पावर 0 यानी 1, और अगर 2 मतलब ऑड नंबर आएगा, सॉरी इवन नंबर, 2 पुट करिए, 2 -1 क्या आएगा, 1, -1 पे पावर 1 आएगा तो -1 हो जाएगा। यानी जितने भी ऑड नंबर है 1 पुट करिए, 3 पुट करिए एन की जगह, सब पे 1 बाई एन आएगा, और अगर इवन नंबर पुट करेंगे तो हमेशा ये माइनस में आएगा, -1 बाई एन के फॉर्म में, करके आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं इसमें दो पॉसिबिलिटी है, अगर मैं एन टेंस टू इनफाइनाइट करता हूं दोनों सब सीक्वेंस, देखिए दो सब सीक्वेंस मिले, इस सीक्वेंस के दो सब सीक्वेंस, एक 1 बाई एन और दूसरा -1 बाई एन, 1, 2, 3 आप पुट करके अपने सीक्वेंस को बना सकते हैं। बस यही ध्यान रखना, ऑड वाले पे 1 बाई एन लेना है और इवन वाले पे -1 बाई एन। तो देखिए, एन टेंस टू इनफाइनाइट अगर मैं करूं किसी भी सीक्वेंस, चाहे 1 बाई एन पे चाहे -1 बाई एन पे, देखिए यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई एन, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, या फिर -1 बाई एन ले तो भी एन टेंस टू इनफाइनाइट पे 0। यानी ये जो एन टेंस टू इनफाइनाइट कर रहे हैं उस पर क्या दे रहा, फाइनाइट और यूनिक वैल्यू, तो ऐसा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्ज करेगा टू 0। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस -1 रेज टू द पावर एन, देन एस एन क्या होगा, कन्वर्जेस टू 0, कन्वर्जेस टू 2, ऑसिलेट डाइवर्जेंट, ये कह रहा है। तो सीक्वेंस को पहले, जैसे हमने इससे पहले वाले भी सॉल्व किया, वैसे ही 1, 2, 3, 4 पुट करके देखिए क्या बनता है। तो एस एन की जगह एन स्मॉल एन की जगह सबसे पहले 1 पुट करिए, तो इसमें 1 पुट करेंगे, -1 पे पावर 1 यानी -1, 1 -1 यानी 0, 2 पुट करिए, 2 पुट करेंगे -1 पे पावर 2 यानी 1 आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे -1 पे पावर 3 फिर -1 आएगा, 1 - 1 0। यानी ये अल्टरनेटिंग सीरीज, देखिए क्या हो रहा, सीक्वेंस, सॉरी सीक्वेंस कैसा अल्टरनेटिंग है, 0 आ रहा 2 आ रहा, 0 आ रहा 2 आ रहा, 0 आ रहा 2 आ रहा। यानी ये कन्वर्ट, अगर एन टेंस टू मैं उसको इनफाइनाइट करूं तो होगा क्या, 0 आएगा और 2 आएगा, ऑड नंबर पे 0, इवन पे 2। यानी ये जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है, फाइनाइट तो है, 0 और 2 फाइनाइट वैल्यू दे रहा, लेकिन यूनिक नहीं, यूनिक का मतलब एक ही वैल्यू देनी चाहिए थी, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा, 0 और 2। तो यानी ये
कॉर्नर पे मैंने इसकी डिफिनेशन भी लिखी है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एस एन इक्वल टू एल, एल क्या होना चाहिए, फाइनाइट और यूनिक, जबकि फाइनाइट तो दे रहा जीरो और टू लेकिन यूनिक नहीं है तो कन्वर्स तो होगा नहीं। तो यहां पे देखिए ऑसिलेट हो रहा है बेसिकली, जीरो टू जीरो टू जीरो टू, क्या हो रहा है सीक्वेंस ऑसिलेट हो रहा है, तो ये सीक्वेंस बेसिकली क्या है ऑसिलेट। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एक्स इज एनी रियल नंबर देन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इज, ये लिमिट का क्वेश्चन पूछ रहा है, लिमिट इसकी वैल्यू क्या होगी, ए इनफाइनाइट हो जाएगा, बी कह रहा जीरो होगा, सी कह रहा नॉट डिफाइन और डी कह रहा वन। इसमें देखिए दो पॉसिबिलिटी है, एक्स चूंकि यहां पहले क्वेश्चन में क्या लिखते हैं एक्स इज एनी रियल नंबर, तो एक्स की वैल्यू हम जीरो भी पुट कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू जीरो हो और एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो दोनों पे चेक करते हैं। अगर एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू द पावर एन बाई फैक्टोरियल एन, क्या हो जाए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स की वैल्यू जीरो तो जीरो ही आएगा। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखिए यहां पे एक मैं थ्योरम यहां पे पहले बता दूं आपको, अगर कोई भी सीक्वेंस है अगर उसका एस एन प्लस वन अपॉन एस एन निकालते हैं एन टेंस टू एल आता है, अगर ये मॉड एल लेस देन वन है तो लिमिट की वैल्यू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट सीक्वेंस की वैल्यू जीरो होती है, अगर वो मॉड एल की वैल्यू ग्रेटर देन है तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे चूंकि एन टेंस टू इनफाइनाइट पूछा हुआ है एस एन दिया हुआ है तो हम वो रूल अपना सकते हैं एस एन प्लस वन बाई एस एन, और देखते हैं अगर ये वैल्यू जो देता है वो लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन प्लस वन बाई एस एन, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीक्वेंस क्या हो दिया हुआ एक्स रेज टू द पावर एन बाई एन प्लस सॉरी फैक्टोरियल एन, तो एन प्लस वन पुट करेंगे एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एस एन, एस एन क्या हो जाएगा एक्स एन नीचे आ जाएगा और फैक्टोरियल एन ऊपर चला जाएगा। देखिए तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स एन और एक्स एन प्लस वन यहां से कैंसिल होगा, क्या बचेगा एक्स और फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन प्लस वन, यहां फैक्टोरियल एन प्लस वन में से एन प्लस वन कॉमन लेंगे तो फैक्टोरियल एन आएगा और ऊपर वाले फैक्टोरियल एन से कैंसिल हो जाएगा यानी नीचे एन प्लस वन सिंपली बचेगा। अब देखिए अगर मैं यहां एन टेंस टू इनफाइनाइट करता हूं और एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो एन टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे क्या होगा वन बाई इनफाइनाइट दैट इज जीरो विच इज लेस देन वन, यानी फैक्टोरियल वन लेस देन वन हो गया, अभी आपको यहां पे बताया अगर लेस देन वन हो तो सीक्वेंस क्या होगा उसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो चाहे एक्स जीरो हो या एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इन बोथ ऑफ द केस द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज जीरो, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एम वन प्लस एन इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं क्वेश्चन नंबर फोर इसके बाद एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव भी मैंने लिया वन बाई एम प्लस वन बाई एन, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, कह रहा है लिमिट क्या होगी एन टेंस टू इनफाइनाइट करने पे इस सीक्वेंस की, सीक्वेंस लिखा हुआ है एम प्लस वन बाई एन। देखिए यहां एम और एन दो अलग अलग नेचुरल मतलब नेचुरल नंबर है, कैसे भी आप पुट कर सकते हैं, तो एन टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये सेकंड वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और एम नेचुरल नंबर है तो यहां पुट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से, तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा आर वनली सीक्वेंस, और इसमें चार ऑप्शन में देखिए ये चौथा ऑप्शन कह रहा है वन टू थ्री फोर फाइव ये सीक्वेंस है। अच्छा आर वनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट होगा उस सीक्वेंस का एन टेंस टू इनफाइनाइट करने पर। अब देखिए एक और जगह लिखा हुआ काउंटेबल इन नंबर, काउंटेबल क्या होता है काउंटेबल सेट वो होता है जो नेचुरल नंबर के साथ क्या है वन टू वन मैपिंग बनावे, ठीक है। तो देखिए वन नेचुरल नंबर है ही है तो नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग बनाएगा, यानी ये क्या है काउंटेबल है इन नंबर, तो दूसरे बी में देखिए अनकाउंटेबल लिखा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, अनकाउंटेबल का मतलब जो नेचुरल नंबर से वन टू वन मैपिंग ना बनाए, ठीक है। और चौथा कह रहा था कि जीरो होगा, ये भी गलत है, यानी जो इसका सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव, यानी ऑप्शन नंबर डी और ए दोनों करेक्ट होंगे, ए एंड डी, ऑप्शन ए एंड डी, तो ये पार्ट सी में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अब देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा एक सीक्वेंस लिया, 1/m + 1/r क्या हो सकता है। अभी आपको जस्ट बताया कि अगर n टेंस टू मैं इनफाइनाइट करता हूं तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, 1/∞ दैट इज जीरो। अच्छा 1/m यहाँ पे भी हम नेचुरल नंबर, क्योंकि ये भी m क्या है, नेचुरल नंबर ही है, तो पुट कर सकते हैं 1, 2 पुट करेंगे, 1/2, 1/3, 1/4 .. आर लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। ये भी देखिए 1:1 मैपिंग बनाएगा किससे, नेचुरल नंबर के साथ, तो ये भी काउंटेबल होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ, काउंटेबल इन नंबर, तो काउंटेबल भी है और इसका लिमिट क्या हो रहा है ऑफ द सीक्वेंस, क्या रहा, 1, 1/2, 1/3, यानी ऑप्शन नंबर C and D आर करेक्ट। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर, जो भी मैंने देखा स्टेट लेवल के है एग्जाम या नेट CSIR में हर बार आता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम मैं अगली जो पार्ट में इंक्लूड करूंगा उसमें नेट CSIR के भी इंक्लूड करूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके का प्रॉब्लम सीक्वेंस और सीरीज से कन्वर्जन पे जरूर आता है हर बार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लेट SN बी एनी सीक्वेंस, SN कोई एक सीक्वेंस है, SN इज फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n पे पावर क्यूब दिया है। ध्यान दीजिएगा, SN इज फैक्टोरियल 3n बाय फैक्टोरियल n पे पावर क्यूब, देन आपसे कह रहा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN 1/n की वैल्यू क्या होगी। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, कुछ रिजल्ट मैं यहां लिख दूं, जो भी सीक्वेंस है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कुछ, और इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN 1/n की वैल्यू हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN+1/SN। ये अगर आपको थ्योरम आपको लर्न है ये रिजल्ट, तो आप ये प्रॉब्लम को बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज SN पे पावर 1/n करने में ही इसकी बड़ी काफी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी प्रॉब्लम की। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को जो शॉर्ट फॉर्मूले उन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज उलझने बहुत है इसमें, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारी है। तो देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN 1/n को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN+1/SN। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट SN+1 करेंगे तो यहां से हो जाएगा फैक्टोरियल 3n+1, यानी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n+3 अपॉन n+1 क्यूब हो जाएगा, इनटू इसको मैं ऊपर कर दिया SN को, SN की वैल्यू पर ऐसे यहां से पुट करिए, SN की वैल्यू जब पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 3n नीचे हो जाएगा और फैक्टोरियल n का क्यूब ऊपर चला जाएगा, राइट। तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो देखिए n+1 है और यहां पे फैक्टोरियल n है, नीचे फैक्टोरियल n+1 है, तो यहां से अगर n+1 कॉमन ले लेंगे तो पावर क्यूब है, तो n+1 पे पावर क्यूब और अंदर बचेगा फैक्टोरियल n का क्यूब जो कि इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर वाले में फैक्टोरियल 3n+3 है और नीचे है फैक्टोरियल 3n, तो यहां तीन बार अगर कॉमन लीजिए, एक बार कॉमन लेंगे 3n+3 तो अंदर क्या बचेगा 3n+2, 3n+2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3n+1, और 3n+1 जब बाहर लेंगे फैक्टोरियल से तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल 3n जो इस नीचे वाले से कैंसिल कर देगा। तो आपके पास फाइनल आंसर ये आया। आप देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चूंकि n टेंस टू इनफाइनाइट को हम डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं लिखते, यहां से n अगर n कॉमन ले लीजिए तो 1/n का फॉर्म हो जाएगा, तो तीनों में से n कॉमन लीजिए, पहले में, दूसरे में और तीसरे में, तो n क्यूब और नीचे से भी n कॉमन लेंगे, n क्यूब और n क्यूब कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा 3+3/n, 3+2/n, 3+1/n, और n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो देखिए इनफाइनाइट यानी 3/n जीरो हो जाएगा, ये भी 2/n जीरो होगा, 2/infinite यानी जीरो, ये भी जीरो, यानी 3 × 3 × 3 27 और नीचे 1/n ये तो जीरो हो जाएगा और 1 का क्यूब 1, यानी सिंपली आंसर आ जाएगा 27। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का रेडियस ऑफ सीरीज, इस सीरीज का क्या पूछ रहा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, 1 − x/(n+x²)/(2 − x³)/(3 ... इज कह रहा है इनफाइनाइट होगा, जीरो होगा, वन होगा और नन ऑफ दीज। देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का ये सिंपल फार्मूला है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट किसी भी सीरीज के लिए an / n+1, an की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। ठीक है,
तो माइनस वन पे पावर एन, एनथ टर्म है बेसिकली, एन क्या है एनथ टर्म है, तो एनथ टर्म क्या हो जाएगा माइनस वन पे माइनस एक्स पे पावर एन बाई फैक्टोरियल एन। तो यहां से आप पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू, तो देखिए माइनस यहां पे एक्स पे पावर एन बाई फैक्टोरियल एन, और डिनोमिनेटर में ए एन प्लस वन, एन प्लस वन रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स पे पावर एन प्लस वन, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस वन। तो यहां से देखिए फैक्टोरियल एन प्लस वन अगर न्यूमरेटर में कॉमन लीजिए तो फैक्टोरियल एन बचेगा, फैक्टोरियल एन से कैंसिल कर देगा ये, ठीक है एन प्लस वन, और इस माइनस एक्स पे पावर एन, यहां पे माइनस एक्स पे पावर एन प्लस वन, यहां भी अगर आप कैंसिल करें तो सिंपली क्या बचेगा एक्स बचेगा, ठीक है तो माइनस एक्स बचेगा, यहां पे माइनस कॉमन ले लिया गया है। तो आपका एन टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो देखिए एक्स की वैल्यू यहां पे एन प्लस वन बाई एक्स, एन टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कह रहा है द सीक्वेंस माइनस वन रेज टू द पावर एन, एन फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट इज, इस सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा क्या होगा, बाउंडेड एट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड अनबाउंडेड, थर्ड कह रहा है बाउंडेड एंड डाइवर्जेंट, डी कह रहा है डाइवर्जेंट एंड अनबाउंडेड। बेसिक डिफिनीशन पे चलते हैं, सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर से। चलिए नेचुरल नंबर स्टार्ट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव इसमें रखिए, माइनस वन पे पावर एन को रखेंगे, माइनस वन आएगा, एन की जगह वन पुट करेंगे, टू पुट करेंगे वन, थ्री पुट करेंगे तो माइनस वन पे पावर थ्री माइनस वन, फोर पुट करेंगे वन, यानी ये क्या आ रहा है ऑड, अगर हम रख रहे हैं वैल्यूज वन थ्री फाइव तो माइनस वन आ रहा है, और इवन वैल्यूज जब पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है वन आ रहा है। देखिए ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है, वो बाउंडेड कैसे है माइनस वन और वन के बीच, लेकिन एक दिक्कत है इसमें, क्या ये कन्वर्जेंट भी है। देखिए कन्वर्जेंट के लिए हमेशा आपको बताया लिमिट जो होना चाहिए क्या होना है, फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट तो है माइनस वन और फाइनाइट वैल्यू, लेकिन यूनिक नहीं है, एन टेंस टू इनफाइनाइट पे एक बार माइनस वन दे रहा है एक बार वन, यूनिक नहीं, तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें बाउंडेड कन्वर्जेंट किया है तो होगा, बाउंडेड तो है कन्वर्जेंट नहीं है, कह रहा कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट है ही नहीं है, कन्वर्जेंट के लिए यूनिक। चौथे में कह रहा डाइवर्जेंट एंड अनबाउंडेड, ये भी गलत है, डाइवर्जेंट एंड अनबाउंडेड, बाउंडेड है अपना सीक्वेंस, ठीक है तो बाउंडेड जैसे ही कहेंगे तो बी और डी तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा, सी बचा ए और सी, ए सी में भी देखिए ये वैल्यू क्या कन्वर्ज हो रही है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाउंडेड है और डाइवर्जेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर नाइन, कह रहा है द सीरीज, ये मैंने सीरीज से उठाया, समेशन साइन वन बाई एन इज, क्या होगा, क्या ये कन्वर्जेंट होगा, क्या डाइवर्जेंट होगा, नॉट डाइवर्जेंट और नन ऑफ दीज। देखिए साइन और कॉस ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सीरीज में हमेशा ये डाइवर्जेंट होते हैं, और इसको प्रूव भी कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं साइन एक्स बाई एक्स वाला जो फॉर्म होता है वो हमेशा वन देता है, तो ये कंपैरिजन टेस्ट से बड़े आराम से हम प्रूव कर सकते हैं। यहां मैंने शॉर्ट में लिख दिया कंपैरिजन टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे अगर कोई दो सीरीज है, सीरीज समेशन यूएन एंड समेशन वीएन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, और लिमिट अगर एन टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं यूएन बाई वीएन, इसकी वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यूज देता है, तब या तो दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे या दोनों सीक्वेंस डाइवर्जेंट होंगे, ये कॉन्सेप्ट है। कंपैरिजन टेस्ट का ये केस है जिसमें दो अगर सीरीज हैं, दोनों कन्वर्जेंट या दोनों डाइवर्जेंट होने की कंडीशन क्या है, लिमिट अगर निकाले यू एन बाई वी एन तो ये हमेशा फाइनाइट हो और नॉन जीरो हो, तो इसमें भी हम कर सकते हैं। आपको जैसे बताया साइन एक्स बाई एक्स, तो यहां पर मैं ले रहा हूं यू एन इज इक्वल टू साइन वन बाई एन और वी एन इज इक्वल टू वन बाई एन, ठीक है। अच्छा vn क्यों मैं 1 बाई एन ले रहा हूं, क्योंकि जो आप जानते हैं साइन x बाई एक्स, तो x वही ले रहा हूं दोनों सेम 1 बाई एन, और देखिए तो आपका हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un बाई vn निकालते हैं तो हो जाएगा साइन 1 बाई एन अपॉन 1 बाई एन, और इसकी वैल्यू 1 आ गई, फाइनाइट है और नॉन जीरो है, यानी दोनों जो सीरीज दिया हुआ है या तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होगा दोनों या तो डाइवर्जेंट। आप जानते हैं कि 1 बाई एन समेशन क्या होता है, समेशन 1 बाई एन डाइवर्जेंट होता है, पी टेस्ट से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये हमेशा क्या होता है समेशन 1 बाई एन हमेशा डाइवर्जेंट होता है सीरीज में, ध्यान रखिएगा, और सीक्वेंस 1 बाई एन है तो कन्वर्जेंट होता है,
सीक्वेंस वन बाई एन इज ऑलवेज कन्वर्जेंट और समेशन यानी सीरीज वन बाई एन इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। तो समेशन वन बाई एन डाइवर्जेंट है तो आपको जैसा कंपेरिजन टेस्ट से है या तो दोनों कन्वर्जेंट हो गए या तो दोनों डाइवर्जेंट, चूंकि एक डाइवर्जेंट है तो दूसरा भी डाइवर्जेंट होगा। तो हम कह सकते हैं un इज इक्वल टू समेशन साइन वन बाई एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ये हमेशा याद रखिए, ये जो अभी थ्योरम बताया कंपेरिजन टेस्ट का, ऐसे हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिससे हम वैरायटी ऑफ मेथड देख पाएं, और इन सबको सॉल्व करने के लिए मुझे अलग अलग बुक से कलेक्शन करने पड़ते हैं क्वेश्चंस को। तो मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा उतने क्वेश्चन इस रियल एनालिसिस में सीक्वेंस से रिलेटेड डालूंगा, हर टॉपिक से रिलेटेड, जिससे आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस बन पाए। लेकिन ये रिजल्ट आप साइड में नोट करते रहिएगा, शायद आपके पास पहले से भी होगा, तो इसे रिवाइज करते चलिए हमेशा। चलिए एक आज इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कौन सा इसमें से सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का एकदम सिंपल मीनिंग समझिए, किसी भी सीक्वेंस का अगर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट कर रहे हैं तो उस सीक्वेंस जो दिया है उसकी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो दिया टू पे पावर एन, टू पे पावर एन, देखिए आर पे पावर एन का एक फॉर्मूला, ये आर पे पावर एन वाला ही कॉन्सेप्ट है, आर पे पावर एन, आर पे पावर एन, आर पे अगर आर की वैल्यू लेस देन वन है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। आर मतलब ये टू यहाँ जो दिया है, उसका रीजन है ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी, और आप निकाल के भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से भी आप समझ लीजिए, अगर n की वैल्यू टू पे पावर n को जरा एक्सपेंड करिए, वन पुट करेंगे टू आएगा, टू पुट करेंगे फोर आएगा, थ्री पुट करेंगे एट, फोर आएगा सिक्सटीन, यानी ये सीरीज तो बढ़ रहा है। अगर n टेंस टू इनफाइनाइट करें तो इनफाइनाइट होगा, यानी ये डाइवर्ज हो जाएगा। वन बाई थ्री, देखिए ये इस पे अगर n करते हैं आप तो इस पे भी करके देखिए, यहाँ थ्री लिख दिया है, वन बाई थ्री पे पावर n है, n की वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन बाई थ्री टू पुट करेंगे, वन बाई नाइन थ्री पुट करेंगे, वन बाई ट्वेंटी सेवन फोर पुट करेंगे, वन बाई एटी फोर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ मैंने वन बाई थ्री पे पावर थ्री यहाँ लिख दिया एन है, ठीक है। तो ये देखिए सीरीज क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वैल्यू घट रही है, यानी एन टेंस टू इनफाइनाइट करने पे ये जीरो आ जाएगा, यानी यही कन्वर्जेंट हुआ। इसी तरीके से थ्री पे पावर एन भी दिया है, इसको भी एक्सपेंड करेंगे, थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन वन टू थ्री पुट करिए नेचुरल नंबर, तो ये भी बढ़ रहा है, ये कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक, ये भी डाइवर्ज हो जाएगा, यानी एक ही कन्वर्जेंट है वो है वन बाई थ्री पे पावर एन। तो हमेशा याद रखिएगा अगर कहीं भी आर पे पावर एन है तो कन्वर्जेंट तभी होगा जब आर की वैल्यू लेस देन वन हो, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने 10 प्रॉब्लम रियल एनालिसिस के कवर किए। फ्रेंड्स आपके जो भी सजेशन है वो प्लीज आप दीजिए, जिससे मैं इस वीडियो में और भी क्वेश्चन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को इंक्लूड कर सकूं। वैसे अगले जो पार्ट होगा उसमें मैं सीरीज के सीक्वेंस के और भी प्रॉब्लम इंक्लूड करूंगा, रेंज से रिलेटेड जो भी नेट CSIR गेट इन सब में दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट भी करें जिससे इस वीडियोस को और भी अच्छा बनाया जा सके, राइट।